हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल रोहित शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मिलती है रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, यूपीएससी, हर किसी का अपडेट सबसे पहले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में जो टाइपिंग होनी है, तो उसको लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 500 वर्ड्स की टाइपिंग यहाँ पे होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों की बातों में ना आए, कुछ लोग कहते हैं अभी एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा। भाई जब होना होगा होगा, आप अपनी तैयारी तो अभी से ही करेंगे ना, जब होगा तब की तब से देखी जाएगी। अभी से ये सोचने से कोई लाभ नहीं है कि जब होगा, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी मानेंगे। कुछ लोग फर्जी वीडियोज़ बनाते रहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ कब होगा कब होगा, उसमें मत पड़े। इसमें आप देख सकते हैं, अ कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर विच ही सी सेल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। आरओ में भी यही है, एआरओ में भी सेम है। अ कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइडेड अप्रॉक्सीमेटली, आरओ में भी यही है और एआरओ में भी यही है। लेकिन जो एपीएस की भर्ती आई है उसमें आप स्पेशल लिखा है जजमेंट पे टाइपिंग होनी है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आपको 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 500 प्लस का हो सकता है, 510 520 वर्ड्स का, लेकिन आपको 500 के 500 वर्ड पूरे टाइप करने हैं, क्योंकि 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगी है इन्होंने। इस वजह से आपको 500 के 500 वर्ड्स पूरे टाइप करने होंगे, पूरा का पूरा पैरा टाइप करना होगा इंग्लिश का, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाएंगे तो आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप टाइपिंग में फेल हुए तो आपको आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी, और जब कॉपी ही चेक नहीं होगी आपकी तो क्या फ़ायदा। तो आप मेहनत करिए, 1 से 2 घंटे टाइपिंग को दीजिए, 2 घंटे कम से कम टाइपिंग दीजिए, और कभी डीमोटिवेट मत होइए। लोग बागों का काम है आपको डीमोटिवेट करना, लेकिन आप अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए। आपकी भले ही 10 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही हो, 5 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही हो, या 11 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही हो, आप अपने आप से बस सेटिस्फाई तो रहिए एक बार। लोग बाग तो हमेशा आपसे ये कहेंगे ये ऐसा है वो वैसा है, अबे उनने क्या उखाड़ लिया, घंटा उखाड़ लिया क्या कुछ, किसी की बातों पे मत जाओ। आप अपने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करते रहो आप, लेकिन टाइपिंग को डेली दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप से सोचें, अगर आप टाइपिंग में नहीं हो पाए पास तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। आप कितना भी पढ़ के अच्छे से पेपर दे लें और टाइपिंग में फेल तो सब में फेल। तो टाइपिंग पे विशेषकर जोर दें, दिन में 2-2 घंटे टाइपिंग करें, खूब टाइपिंग करो, दबा के टाइपिंग करो। अगर आप टाइपिंग अच्छी कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे। 50 मार्क्स की टाइपिंग है, आपको बढ़िया टाइपिंग करके लानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं 500 वर्ड कंप्यूटर पे होगा। पिछली बार जो है कंप्यूटर पे हुआ था, आधे एक सोनी का कोई सॉफ्टवेयर है उस पर टाइपिंग हुई थी पिछली बार इस, और ये नहीं कह सकते कि पेपर पे नहीं दें। अगर उन्होंने पेपर पे दे दिया तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है ना, कि पेपर पे दें तो भी कर पाएँ, पेपर पे देख के, और कंप्यूटर पे दे दें तो कंप्यूटर पे देख के भी कर पाएँ। जहाँ तक है कंप्यूटर पे ही दिया जाएगा, पेपर पे नहीं दिया जाएगा। पिछली बार भी पेपर पे नहीं दिया गया था, कंप्यूटर पे ही दिया गया था, तो उससे निश्चिंत रहें। लेकिन आपको टाइपिंग 2-2, 3-3 घंटे करनी है डेली। टाइपिंग के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर देता हूँ, टाइपिंग वाला करके एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ही गूगल पे जाएंगे टाइपिंग वाला करके सॉफ्टवेयर है, बढ़िया टाइपिंग स्पीड का पता चलेगा, एरर्स का पता चलेगा, कितना बैक स्पेस दबा रहे, बढ़िया। आधे घंटे टाइपिंग कीजिए उस पर, लेकिन डेली टाइपिंग कीजिए, किसी की बातों में नहीं आइए। बाकी आप ये सिलेबस आपको ये पढ़ना ही है, सब जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन मेन चीज़ तो ये है, अगर आप ये पास नहीं कर पाए पार्ट टू कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, आपने टाइपिंग पास नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे। आप चाहते हैं आप फेल हो, नहीं चाहते ना, तो पहले टाइपिंग बढ़िया, लेकिन आपको सेम फॉर्मेट में भी करनी है, जैसा का जैसा, जैसे जहाँ पे सेमी कॉलन है वहाँ पे सेमी कॉलन ही लगाएं, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे फुल स्टॉप, पैसे ही करनी है। तो बढ़िया से तैयारी करें, और टाइपिंग के लिए टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, गूगल पे जाके वेबसाइट पे बढ़िया से टाइपिंग करें। किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम डेट कब आएगी, कब नहीं आएगी, वो सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जब आएगी तब देख लेंगे, लेकिन अभी आप पढ़िए, बस पढ़ाई पे फोकस करिए और टाइपिंग पे, दो चीज़ें, बाकी भूल जाइए दुनियादारी। लोगों का काम है कहना सुनिए, और ठीक है बस आँखों में रख लीजिए उन्हें, बाद में बताएंगे वक्त आने पे, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो, बाकी किसी से अभी कुछ लेना देना नहीं। हाँ वक्त आएगा तो उन्हें भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सोचिए और बढ़िया मस्ती से पढ़िए, बढ़िया टाइपिंग करिए मस्त, 2-2 घंटे टाइप कर रहा है, टिक 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 टाइप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग अच्छी हो गई ना तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर ही जाओगे, 50 मार्क्स आ गए ना टाइपिंग में,
तो इधर अगर कुछ कम भी आए जनरल नॉलेज वगैरह में तो 50 मार्क्स इधर तो आ जाएंगे ना। बढ़िया से टाइपिंग करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक की उम्मीद रखते हैं आपसे, एक शेयर की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फर्जी वीडियो के चक्कर में ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।